लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये सत्य है कि कलयुग के प्रभाव से अत्याचार बढ़ेंगे, किंतु प्रिय हनुमान के वहां रहते कलयुग कुछ नहीं कर पाएगा। हनुमान तो युगों युगों तक पृथ्वी पर रहेंगे और अत्याचारियों से हमारे भक्तों की रक्षा करेंगे और वे ही कलयुग के दुष्प्रभावों से मानव को मुक्ति दिलाएंगे। किंतु श्री हरि, इस युग में क्या आप या महादेव अत्याचारियों को दंडित करने के लिए पृथ्वी लोक में अवतरित नहीं होंगे? हनुमान कब तक अकेले कलयुग से संघर्ष करते रहेंगे? कलयुग अत्यंत शक्तिशाली है श्री हरि। जब समय आएगा हम पुनः धरा पर अवतरित होंगे, किंतु जितनी सहजता से द्वापर त्रेता या सतयुग में हम पृथ्वीवासियों को दर्शन देते थे वो इस युग में संभव नहीं है ब्रह्मा जी। इस युग में पृथ्वीवासियों को अधिक कठोर तप करना पड़ेगा। इसके पश्चात भी कलयुग के प्रभाव से तपस्वी को धर्म रक्षक को साधारण जन विक्षिप्त या बावला भी समझेंगे, किंतु ये भी सत्य है जो भी धर्म रक्षक भक्त होगा उसकी रक्षा स्वयं महावीर हनुमान करेंगे। श्री हरि, भक्त तो तब होंगे ना जब साधारण जन भक्ति का महत्व समझें और उसकी ओर प्रवृत्त हो। धरा पर तो कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि जो निर्धन हैं वे इतने कष्ट में हैं कि उन्हें भक्ति की सुध ही नहीं, और जो धनवान हैं वो भोग विलास में लिप्त हैं, उनके पास भक्ति के लिए समय ही नहीं। इसका समाधान भी हमने ढूंढ लिया है ब्रह्मा जी। जब आप ब्रह्मलोक लौटें तो वहां पर श्री राम की आराधना में लीन महर्षि वाल्मीकि से भेंट करें और उन्हें मेरा निवेदन सुनाएं। कैसा निवेदन श्री हरि? उन्हें कहें कि वो पुनः पृथ्वी पर अवतरित हों और श्री राम के नाम का प्रचार करें, जन साधारण को श्री राम की भक्ति की शक्ति का परिचय दें। किंतु श्री हरि, कलयुग भी महाशक्तिशाली है, उसके रहते महर्षि वाल्मीकि कैसे सुरक्षित रह सकेंगे? वो उन्हें धरा पर दोबारा जन्म ही नहीं लेने देगा। ये सत्य है कि कलयुग के प्रभाव से उनका जीवन अत्यंत कष्टदायक होगा, किंतु आप चिंतित ना हो ब्रह्मा जी, रुद्रावतार हनुमान स्वयं श्री राम के महान भक्त की चिंता दूर करेंगे। नारायण नारायण, नारद चलो ब्रह्मलोक महर्षि वाल्मीकि से मिलने। ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री हनुमानाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री हनुमानाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री हनुमानाय नमः। पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक आने पर भी महर्षि वाल्मीकि का रूप वही का वही, आश्चर्य है। महान और दिव्यात्माओं का रूप सनातन रहता है नारद, क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते? परमपिता, अब तक मैं सत्य से अनभिज्ञ था, परंतु महर्षि वाल्मीकि इस सत्य के प्रत्यक्ष प्रमाण है। आओ नारद। श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः। महर्षि वाल्मीकि। परमपिता, प्रणाम परमपिता। आपका ध्यान भंग करने के लिए क्षमा चाहते हैं महर्षि। परमपिता, आपके दर्शन हुए धन्य भाग हमारे। धन्य भाग तो हमारे है महर्षि वाल्मीकि, जो आप जैसे महान आत्मा के दर्शन हुए। देवर्षि प्रणाम, किंतु आप यहाँ कैसे? नारायण नारायण, महर्षि वाल्मीकि आप जो महान कार्य करने जाने वाले हैं, वही महान कार्य कलयुग में पृथ्वी वासियों का सहारा बनेगा, तो मैंने सोचा कि आपके दर्शन करता चलूं, इसीलिए मैं नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, कौन सा महान कार्य? महर्षि, देवर्षि नारद सत्य कह रहे हैं कि आपको एक बार फिर पृथ्वी लोक में नया जन्म लेना है। परमपिता, ये आप क्या कह रहे हैं? यही समय की मांग है महर्षि,
समय के अनिवार्यता के कारण ही इस काल में हम त्रिदेवों में से कोई भी पृथ्वी लोक पर अवतरित नहीं हो सकते, परंतु जन कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा और भक्ति में शक्ति बनाए रखने के लिए रुद्र अवतार हनुमान पृथ्वी लोक में इस काल में भी सक्रिय हैं और रहेंगे, और परंतु श्री राम भक्ति के प्रचार में आपको उनकी सहायता करनी होगी। श्री राम कथा की पुनर्रचना करके मानव जाति को धर्म, भक्ति, न्याय और नीति के प्रचार के लिए प्रेरित करके उसे कलयुग के प्रभाव से मुक्त करना होगा। परमपिता, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि पृथ्वीलोक पर कलयुग में पाप लीलाएं जो हो रही है, क्या उस वातावरण में जन्म लेकर मैं ये महान कार्य कर पाऊंगा? आपके उस कार्य में महावीर हनुमान पूर्ण सहायक रहेंगे योगी वाल्मीकि। वे पृथ्वी लोक पर उपस्थित हैं और प्रलय काल तक उपस्थित रहेंगे, आप तनिक भी चिंता न कीजिए। परमपिता, जो आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। ओम श्री शंकराय नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। ओम श्री शंकराय नमः स्वाहा। ओम श्री शंकराय नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। ओम श्री शंकराय नमः स्वाहा। ओम श्री शंकराय नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम श्री राय नमः स्वाहा। वित्तेशासुर, वितंडासुर, कहाँ हो तुम दोनों? प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। वितंडासुर, वितेशासुर, वितंडासुर, वितेशासुर, वितंडासुर। ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। ओम श्री शंकराय नमः स्वाहा। दंडासुर, ये क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है, ये तो हम भी देख रहे हैं, परंतु ये सब हो क्यों रहा है? तुम लोग इसे होते हुए देख कैसे रहे हो? क्या तुम दोनों को हमने इसीलिए प्रकट किया था कि तुम दोनों चुपचाप देखते रहो और ये मंत्र पढ़कर हमारा सर्वनाश करते जाएं? यदि ये यज्ञ अनुष्ठान सफल हो गया तो कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, धर्म की ध्वजा चारों दिशाओं में लहराएगी। क्या तुम दोनों यही चाहते हो? नहीं स्वामी, नहीं। हमारे लिए अब क्या आज्ञा है? आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे स्वामी। बोलो, इतना सब समझाने के पश्चात तुम्हें हमारी आज्ञा की आवश्यकता है? ध्वंस कर दो, ध्वंस कर दो ये धार्मिक अनुष्ठान, सारे प्रार्थना स्थल और तीर्थ स्थलों को नष्ट कर दो, जन जन में विद्वेष का विष भर दो, ताकि लोग धर्म को भूलकर पाप और लालसा के दास बन जाएं। कलयुग की काली मां में रंग दो सबको। जाओ 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 शीघ्र जाओ शीघ्र जाओ जाओ जाओ। पाप की जय हो, सत्य का नाश हो। ओम श्री शंकराय। ओम
कलयुग महाराज की जय हो। आपकी जय हो सत्य का नाश। प्रभु ये सब क्या हो रहा है? प्रभु ये क्या हो रहा है?
भोलेनाथ, महादेव, प्रभु कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, दर्शन दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी और परीक्षा ना लीजिए प्रभु, कृपया प्रकट होइए। कलयुग धर्मात्माओं पर अत्याचार कर रहा है, उसकी विनाश लीला बढ़ती जा रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए प्रभु। कृपया दर्शन दीजिए महादेव, कृपया दर्शन दीजिए। हनुमान, उद्विग्न होने से कार्य सिद्ध नहीं होगा, तुम्हें धैर्य और शांति से कार्य करना होगा। परंतु महादेव, कलयुग का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हनुमान, कलयुग के इस बढ़ते प्रभाव को केवल भक्ति की शक्ति से ही रोका जा सकता है। तो क्या महादेव, मेरे अंदर भक्ति की शक्ति नहीं है? अवश्य है। तो फिर मैं अपने आप को असमर्थ क्यों अनुभव कर रहा हूं महादेव, क्यों? हनुमान, क्योंकि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अपने गदा के माध्यम से करना चाहते हो, परंतु इस शक्ति परीक्षण से कलयुग को परास्त नहीं किया जा सकता। तो महादेव, मुझे क्या करना होगा? हनुमान, तुम्हें जन जन में भक्ति का वातावरण बनाना होगा, लोगों में धार्मिक जागृति उत्पन्न करनी होगी, कलयुग के विरुद्ध जन जन को सचेत करना होगा, मनुष्य में यह विश्वास जगाना होगा कि उनका कल्याण केवल धर्म सेवा और भक्ति की शक्ति से ही संभव हो सकेगा।